सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर फिर से स्वागत है। और आज जो है हम लोगों की जो क्विज स्टार्ट हो रही है, जैसा कि हमने बताया था कि जियोग्राफी टॉप 1000 क्वेश्चंस वो सीरीज आपकी चल रही थी, आज उसका चौथा दिन है। और मैंने जैसा कि पहले ही बताया था कि अगर आप जो है तीनों वीडियो देख लिए हैं, पहला दूसरा तीसरा, अगर आप तीनों वीडियो देख लिए हैं तो इसमें के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और चूंकि मेरा मकसद यही है कि आप लोग जो है उसको पढ़िए, देखिए, और चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैंने उसमें सेट किए हैं, और अगर आप इसको देखते हैं तो निश्चित ही आपका फायदा होगा। और आज की जो क्विज है, जो कि आप देख रहे होंगे इनामी क्विज, पढ़ो और जीतो प्रतियोगिता में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जो है उन सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो पिछला प्रश्न हमने तीन दिन में बताया है, उसी में से मैंने 15 क्वेश्चन निकाले हैं। और उन 15 प्रश्नों में से जो भी बच्चा सबसे ज्यादा प्रश्नों के सही जवाब देगा उसको मिलेंगे इनाम। और कल जो है उसका नाम अनाउंस किया जाएगा उसकी फोटो के साथ, और वीडियो कॉल के जरिए उससे लाइव बात की जाएगी और हम उसका अनुभव जानेंगे कि उसका अनुभव क्या रहा जो है हमारे चैनल के प्रति। तो दोस्तों, क्यों ना वो आप हो और वो आप भी हो सकते हैं। तो अगर आप जो है वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, अगली बार आप ट्राई कीजिएगा, जो हमारी सीरीज चल रही है इसको आप देखिए। और अगली बार जब हम प्राइज देंगे तो अनाउंस कर दिया जाता है, 4-5 दिन पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है कि आपके इस दिन जो है आपकी प्राइज क्विज जो है होगी। तो इसलिए जो है अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो बने रहिएगा, आज केवल आप देख लीजिए कि कैसे जो है क्या प्रोसेस है यहाँ का, और उसके बाद फिर अगली बार जब आप क्विज अटेम्प्ट करें तो अगली बार आप मैक्सिमम स्कोर करें। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए अब चूंकि स्कोर करना है तो आप देख रहे होंगे प्रीमियर वीडियो चल रहा है, और प्रीमियर वीडियो का मतलब ये हुआ कि आपके कमेंट में देख रहा हूँ, आपके कमेंट में लगातार देख रहा हूँ। तो इसका प्रोसेस ये रहेगा कि जैसे कि प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिखाए जाएंगे, और मैं जैसे ही प्रश्न आपका स्क्रीन पर लगता है तब से आपका समय चालू होगा, और जब मैं बोलूंगा कि आपका समय समाप्त होता है अब, तब तक का यह समय रहेगा। उसके बीच में जितने लोगों का कमेंट आया रहेगा मैं उन सभी कमेंटों का स्क्रीनशॉट लूंगा, उसके बाद फिर जो है अगला प्रश्न आपको दिया जाएगा, फिर उसके बाद फिर इस यही प्रोसेस उस वाले प्रश्न में भी रहेगा। इस तरह से सारा प्रश्न आपका 15 प्रश्न कराया जाएगा, और जो भी बच्चा सभी प्रश्नों के या मैक्सिमम प्रश्नों के सही जवाब देगा उसे लकी विनर माना जाएगा, और वही हमारा लकी व्यूअर बनेगा और जीतेगा प्राइज, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं 100 रुपए। तो 100 रुपए का पुरस्कार उसके फोन पर दिया जाएगा, फोन पर मतलब रिचार्ज नहीं करवाया जाएगा, फोन पे के द्वारा दिया जाएगा या गूगल पे के द्वारा दिया जाएगा। तो जैसे ही वो अवेलेबल होता है, अगर वो गूगल पे पे लेना चाहेगा तो गूगल पे पे दिया जाएगा। उसके लिए उसको कुछ नहीं करना, केवल मेरे व्हाट्सएप पे, जैसा कि आप लास्ट में भी स्क्रीन के लास्ट में मतलब वीडियो जब खत्म होगा तो लास्ट में आप देखेंगे वहां पर मेरा नंबर दिया रहता है 7398773143, ये नंबर है, आप इसमें व्हाट्सएप करिएगा, अपना ईमेल आईडी व्हाट्सएप कीजिएगा, और जो आपने कमेंट किया है वो कमेंट आप व्हाट्सएप करेंगे तो फिर जो है आपका केवल एक कमेंट, कोई भी एक कमेंट आप व्हाट्सएप करिए, ये नहीं कि आपने जितना किया सब, केवल एक कमेंट आपको व्हाट्सएप करना है और अपनी ईमेल आईडी व्हाट्सएप करना है, ताकि पता चल जाए कि हाँ वो वही बच्चा है जिसका नाम मैं बता रहा हूं। उसके बाद फिर वो अपनी फोटो भेजेगा जो कि मैं अपने यूट्यूब पर दिखाऊंगा कि हाँ ये बच्चा हमारा विनर बना है। तो दोस्तों चलिए हम क्विज स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं आपको अपने फोन की स्क्रीन की तरफ। तो बने रहिए और देखते रहिए और प्रश्नों का जवाब देते रहिए। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं कौन बनेगा कमांडर क्विज जियोग्राफी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप लोग जल्दी जल्दी इसके सही सही जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब दीजिए, जल्दी बताइए कि इसका क्या जवाब होगा। तो दोस्तों आपका समय समाप्त होता है अब, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके सही सही जवाब दीजिए, समय अभी चल रहा है आपका, आप लोग जवाब देते रहिए और आपका समय समाप्त होता है अब। अगला क्वेश्चन आपकी इसका सही जवाब जो होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, 11 का बी। आपको लिखना है जैसे अगर 11 का बी, तो 11 लिख के बी लिखना है।
तो इस तरह से आपको आंसर देना है, तभी आपका आंसर काउंट होगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह को लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है, कौन सा चीज अलग करता है? चार ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप लोग दीजिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए और आपका समय समाप्त होता है अब, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपका समय चल रहा है, आप लोग इसका जवाब देते रहिए और जवाब देने के लिए 16 लिख करके उसके बाद जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, 16 लिख करके उसके बाद जवाब दीजिए, आपका समय समाप्त होता है अब, और इसका सही जवाब होगा सी, कोच्चि। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपका समय चल रहा है, क्वेश्चन लगते ही आपका समय स्टार्ट हो जाता है। एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप की पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षक केंद्र में एक है, कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। तो आपका समय जो है समाप्त होता है अब, और इसका सही ऑप्शन होगा बी, पश्चिमी घाट। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हट्टी गोल्ड माइंस कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आपका समय चल रहा है, आप लोग इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब देंगे तो 6 लिख करके उसके बाद आगे जवाब दीजिए, और इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में है? जी हाँ दोस्तों, किस राज्य में है, आप लोग इसका जवाब दीजिए, आपका समय अभी चल रहा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और एक चीज़ और हम बता दें, इसका जो जवाब देगा उस, अगर जो है क्रिकेट मैदान का जो नाम है, वो नाम जो बताएगा उसको एक नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक नंबर उसको एक्स्ट्रा दिया जाएगा जो इस मैदान का नाम बताएगा कि क्रिकेट के मैदान का नाम क्या है। तो समय आपका समाप्त होता है अब, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, आपका समय अभी चल रहा है और आपका समय समाप्त होगा अब, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपका समय चल रहा है अभी और आपका समय समाप्त होता है अब, तो काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, आपको दिख रहा होगा, और आप लोग इसका जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, आपके पास 20 सेकंड का समय रहता है एक क्वेश्चन में, और 20 सेकंड में आपको उसका जवाब देना रहता है। शिमला दिल्ली की अपेक्षा ठंडा है, शिमला दिल्ली की तुलना में ज़्यादा ऊंचाई पर है, उसके बाद चार विकल्प दिए गए हैं, तीन दिख रहा है, चार अब दिखने लगा, तो इसका सही जवाब, आपका समय समाप्त होता है अब, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है? जी हाँ दोस्तों, आपका समय चल रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, और आपका समय समाप्त होता है अब, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया? जी हाँ दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, और आप सही जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपका समय जो है समाप्त होता है अब, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आयोजित हुआ था? जी हाँ दोस्तों, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन .. में आयोजित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आपका समय चल रहा है, आप लोग जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, और इसका समय जो है समाप्त होता है अब, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, .. के बाद भारत दुनिया का दूसरा बड़ा फूल उत्पादक देश है, मतलब फूल उत्पादक देश में पहले नंबर पर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, पहले नंबर पर फूल उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों आपका समय जो है समाप्त होता है अब, और इसका सही जवाब होगा चीन, पहला ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा एक प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? और आपका समय जो है अभी चल रहा है और आप लोग इसका जवाब देते रहिए और हमारे लकी व्यूअर बन करके जीतिए आकर्षक उपहार, और इसको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। समय आपका समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में यह शामिल नहीं है। चार ऑप्शन दिया गया है और इसका सही जवाब आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, चार ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आपको बताना है और आपका समय समाप्त होता है अब, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, विस्तार नहीं किया जा रहा है क्योंकि जब बताया गया था तो उसमें विस्तार से समझाया गया था। तो ये थे आपके आज के प्रश्न, आज के प्रश्न आपके समाप्त हो गए दोस्तों। अब आगे जो है कल हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन हमारा विजेता बना है, तो कल का एपिसोड जरूर देखिएगा। कल सुबह जो है आपको ये अनाउंस किया जाएगा कि विजेता कौन बना, तो सुबह जो है आप लोग 8 बजे जरूर देखिएगा, उसमें केवल विजेता का नाम बताया जाएगा और उसके बाद फिर जो है वो विजेता हमसे संपर्क करेगा, और संपर्क करने के लिए आपको मोबाइल नंबर जो है मेरा याद रखना पड़ेगा, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया, उस पर व्हाट्सएप करिएगा। आप अपना नाम व्हाट्सएप कीजिएगा, अपनी ईमेल आईडी व्हाट्सएप कीजिएगा, जिस आईडी से आप हमको जवाब दे रहे हैं वो आईडी व्हाट्सएप कीजिएगा, और कोई एक कमेंट की पिक भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। उसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा गूगल पे के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो आज का प्रश्न समाप्त होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में कल 8 बजे सुबह। धन्यवाद।